हे नमस्ते। यू सीट क्वेश्चन नंबर 43। आई रोल्ड येलो पेपर जॉइंट जस्ट किडिंग इज रोल्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड्स। सो हमने एक पेपर को रोल कर दिया है एंड जैसे मैं ये जो पॉइंट है इसमें ये गोल घूम के 1 मिनट के बाद वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। सो जो पेंसिल है दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट T2 to T3 और उसके T3 से मूव करिए T2 से मूव करिए T3 की साइड। सो T1 से T2 ये 10 सेकेंड में ट्रैवल करती है, देन T2 पॉइंट पे ही वो 10 सेकेंड के लिए रुकती है एंड देन 40 सेकेंड्स में वो T3 पॉइंट पे जाती है। सो व्हाट वुड बी द ग्राफ ऑन द पेपर व्हेन इट इज अनरोल्ड। सो जब इसको अनरोल करेंगे इसको तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा। सो बेसिक हमने 10th में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का। अगर हमारे जो स्पीड है एंड जो डिस्टेंस है सेम स्पीड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है सो वी गेट अ यूनिफॉर्म ग्राफ। तो यूनिफॉर्म ग्राफ ऐसा दिखता है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैन बी कि स्टार्टिंग में स्लो एंड देन बाद में एक्सेलरेशन ले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी हाइट से किसी बॉल को रोल करें, अभी आगे तो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है दैट विल हेल्प यू बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म में हमें ये मिलता है ऐसा ग्राफ एंड नॉन यूनिफॉर्म में हमें कर्व ग्राफ मिलता है विद अ कर्वेचर। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर है दैट इज ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।